कृष्णा, आज रात हम जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कल से आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेने की जरूरत है आपको। एक नया सूरज, एक नया दिन बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं, बहुत सारी उम्मीद लेके आती है, तो इसे ऐसे वेस्ट मत जाने दें, टाइम वेस्ट मत करें। अपने कीमती वक्त को सही कामों में लगाइए ताकि आपके जो ड्रीम डिजायर गोल्स है वो आप जल्दी से अचीव कर सकें। और इस वीडियो तक आप ऐसे ही नहीं पहुंचे, इसका भी कुछ रीजन है, तो इसे लाइटली मत ले। आपके लिए जो गाइडेंस है उसे आप फॉलो करें। किसी किसी का इस समय लव लाइफ स्टक है, किसी का थर्ड पार्टी इशू है, किसी का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपका पार्टनर कभी आपको हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं है। आपको अपने दिमाग में एक बात फिक्स करना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहें, अपने व्यवहार में बदलाव ना लाएं। किसी का पार्टनर हो सकता है अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, आपको ये समझना है, आप दोनों को ही अपने करियर पे फोकस करना है, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। ये टाइम है खुद को निखारने की, खुद की पहचान बनाने की, आप धीरे धीरे सब लव करना सीख रहे हो, यूनिवर्स के साथ आपकी पहचान हो रही है, आप एक यंग सोल हो, स्पिरिचुअल पाथ पे आप नए हो, आपकी जिंदगी में डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ, आपके स्टेप्स बहुत छोटे छोटे ही है, आपको जो मिल रहा है शायद छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें। आपको ये एहसास भी नहीं है कि आप अपनी गोल्स की तरफ आगे जा रहे हैं, आप जो अचीव कर रहे हो वो आपके गोल, डिजायर, ड्रीम्स का ही हिस्सा है। आपको जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है, उन सारी चीज़ों के लिए कम से कम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा तो करें। अगर शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो ब्लेम मत करें। ट्रस्ट दिस इज अ बेनेवोलेंट यूनिवर्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। राधे राधे।